Thank you so much. अरे बहुत बहुत अच्छी बड़ी जाओ और ऐसे हां नाउ कम ऑन 2000 वी वर देयर 2000 वी वर वो छोटी हाउ कहूँगा एक तो कहूँगा कि KWC जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो नया टैलेंट जो है उनको एक चांस मिलता है कि अपना कला क्या है वो प्रेजेंट करें और दो तीन साल मैं उनके साथ हूँ तो मैंने देखा है कि कैसे हर वर्ष कोई नया टैलेंट और बेटर टैलेंट आ रहा है तो मतलब इंडिया में बहुत टैलेंट है और KWC से मुझे लगता है कि उनको एक जो चांस मिलता है कि लोगों के सामने आए और अगर जीते तो ये अपने देश के लिए जीते देश उसके लिए वो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं जाते हैं और मैं सबको ऑल द बेस्ट ही विश करता हूँ और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ हूँ मोस्ट टैलेंट शोज आर अबाउट नॉट ऑलवेज अबाउट द सिंगर इट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई थिंक KWC इज अबाउट गेटिंग द बेस्ट सिंगर इन द फ्रंट एंड गिविंग देम द चांस बिकॉज इट्स नॉट सो मच अबाउट यू नो आपको आप ये नंबर पर मैसेज कीजिए इज नन ऑफ दैट इट्स जज बाय अ ज्यूरी ऑफ पीपल हु आर इन द बिजनेस सो इट इज़ नॉट जज बाय द ऑडियंस मतलब जैसे TV पे होता है कि आप वोट कीजिए और वोट करने पे वोट जितने आएंगे तो उनको मिलता है तो पहले जो रियलिटी शोज होते थे वहाँ जजेस बैठ के खुद वोट करते थे अब वो नहीं होता है तो जजेस बैठते हैं ऑडियंस को हेल्प करते हैं कि किसको वोट करें नहीं करें बट वो ऑडियंस ही आता है और जितने ज़्यादा वोट आते हैं इट्स ऑल गॉट टू डू विद यू नो इट्स अ डिफरेंट सिस्टम यहाँ डायरेक्टली हम जो वोट करते हैं वही जीतते हैं तो आई थिंक इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द जजेस मैं तो पहले देखता हूँ कि उनकी एक कॉन्फिडेंस क्या है स्टेज पे कि परफॉर्म करना है परफॉर्म सिर्फ गाना नहीं होता है गाना गाना अलग बात होता है परफॉर्मेंस करना उसके ज़्यादा और कुछ है लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए तो एक तो सिंगिंग की बात है सेकेंडली बहुत से लोग आके जो नॉर्मल वॉइसेस होते हैं जो जैसे कि बहुत चल रहा है तो अभी आजकल जैसे सूफी चल रहा है तो सब सूफी गा रहे हैं हो सके आपका वॉइस सूफी के लिए सूट नहीं होता है तो मेरा कहना है कि सूफी मत गाओ हो सके आप कवाली गा लो कवालो उस टाइप का है कवाली छोड़ो तो आसपास ही है लेकिन हो सके कोई फोक टाइप का आपका वॉइस हो तो उस टाइप का गाना गाओ ताकि आपकी जो खूबी है वो बाहर आए तो वो देखता हूँ मैं कि कोई जो कौन सा टाइप का गाना उसने चूज़ किया कि अपने वॉइस को सूट होता है या नहीं और अपनी वॉइस जो भी हो खराश हो वॉइस में आजकल सब अच्छा लगता है तो ओके है बस अच्छा गाओ दिल से गाओ तो एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन की स्टेज पे आए तो आप एक ही जगह ऐसे खड़े रहेंगे 5 मिनट गा रहे हैं 6 मिनट गा रहे तो बोरिंग हो जाता है तो आपको कुछ परफॉर्म करना कि ऑडियंस को एंगेज करो तो आई थिंक वो भी मैं देखता हूँ क्विक सॉन्ग अच्छा यू कैन सिंग सनी द पर्वत मी Something about the way you smile, and you may never know the reason why. Sunny da pa maga maga desa. Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny da pa maga maga desa.